नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। अभी एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर कर दिया है। तो पहले जानते हैं कि FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, उसके बाद में समझते हैं। FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी G7 कंट्रीज की मदद से। इसका उद्देश्य होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो या फिर जो कंट्रीज आतंकी पोषण करती हैं, आतंकवादियों को वित्तीय पोषण, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं, इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ऐसे कंट्रीज पर रोक लगाई जाए और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तीय पोषण को कम किया जाए। यह उद्देश्य था FATF के गठन का। FATF के द्वारा दो लिस्ट जारी की जाती है, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज को डाला जाता है जहां पर आतंकी वित्त पोषण होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, लेकिन उसको कम करने के लिए वो कंट्री सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है। दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि वो कंट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल होता है मनी लॉन्ड्रिंग में और आपका आतंकी वित्त पोषण में। लेकिन जो ग्रे लिस्ट होता है उसमें ऐसी कंट्रीज को डाला जाता है जहां पर आतंकी वित्त पोषण हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, लेकिन वो कंट्री चाहता है कि उसके यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, आतंकी वित्त पोषण ना हो। अगर किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो वो अंतरराष्ट्रीय जितने भी महत्वपूर्ण इकोनॉमिक संगठन है, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उससे वो सहायता नहीं ले सकता है। अब क्या होगा, अब अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान जो है वो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से लोन ले सकता है। अब इसका आने वाले समय हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले समय देखा जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज बता दें हम आपको कि अभी दिवाली है, तो सबसे पहले दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि ये दिवाली नौकरी वाली दिवाली, हम आपकी मदद कर रहे हैं शानदार तरीके से पढ़ाने में, लगातार YouTube में क्लासेस चल रही हैं। अभी दिवाली है तो एक दो दिन थोड़ा क्लासेस ऑफ रहेंगी। और आपके लिए एक हमारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है दिवाली का, जिसमें दिवाली का गिफ्ट ये है कि आपको जो हमारे कोर्सेस SSC का टेस्ट सीरीज हो या ब्रह्मास्त्र बैच हो, उसमें 80%+ का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ना के बराबर फीस में, मिनिमम से मिनिमम जो पॉसिबल है वो उस फीस में आपको कोर्स दिया जा रहा है। आज ही आप प्ले स्टोर में जाइए, क्लास 24 का ऐप डाउनलोड कीजिएगा और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर SSC कैटेगरी में जाके ब्रह्मास्त्र बैच में जाइए और बैच को जल्दी से जल्दी रोल कर लीजिए। इस बैच में मैं GK करा रहा हूं, भुवनेश्वर करंट अफेयर्स करा रहे हैं, शिप्रा मैम साइंस करा रही हैं, दीपक सर रीजनिंग करा रहे हैं, अमित सर मैथ्स करा रहे हैं और हर्ष सर इंग्लिश करा रहे हैं। बहुत शानदार टीम है और ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी जाइए और ब्रह्मास्त्र बैच में एडमिशन लीजिए। टेस्ट सीरीज लेना है CGL की, CPO की, उसमें एडमिशन लीजिए और साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि अगली दिवाली नौकरी वाली दिवाली।